इकाइयां जिसमें समान रूप से स्थित हो, कौन तीनों इकाइयां? तीनों शक्तियां जो इसमें आप देख रहे होंगे सामने पीछे, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति, जगत को स्थित रखने वाला सत्ता शक्ति और जगत का लय प्रलय करने वाला सत्ता शक्ति, तीनों एक साथ स्थित रहता है जिसमें अभिन्न रूप से वही परमात्मा परमेश्वर है। वही परमात्मा परमेश्वर है जिसके एक इकाई रूप संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति प्रकट हुई और सृष्टि की रचना की, तो इस सृष्टि के रचना में उस तीनों अंशों वाला परमेश्वर किसके तुलना में कर दिया जाए, किस प्रयोग में वो आएगा? इस एक अंश मात्र में जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, इसमें उस त्रयांशी उस परमात्मा का किस विषय वस्तु में प्रयोग होगा? हो ही नहीं सकता। उसके दो इकाई में ही जो जगत को उत्पन्न करने वाली और स्थित रखने वाली है, इस दो इकाई में ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है, चलता रहता है। तीसरी इकाई का जब आगमन जुग जुग में एक बार भूमंडल पर होता है तो उसी का नाम अवतार है, दो इकाई में ही सारी सृष्टि चला रही है। पहली इकाई को उत्पत्ति वाले को जड़ मान लिया गया और दूसरी इकाई जो आती है, जो इसको स्थित रखी है, जो इसको चलाती रहती है, उसको चेतन, वो चेतन जड़ चेतन दो ही में जो है ये सारी सृष्टि चला रही है। जड़ चेतन दो ही में ये सारी सृष्टि चला रही है। परमेश्वर से जड़ चेतन आया और माया से दोष गुण आया। परमेश्वर से जड़ चेतन और माया से दोष गुण, ये दोष गुण प्रवृत्ति है, जड़ चेतन अस्तित्व है, स्थिति है। ये चार मिलकर के ही ये सारी सृष्टि है, सारी वस्तुएं हैं। ये चार मिलकर के ही इसी चार में सारी सृष्टि सारी वस्तुएं हैं। अब आप लोग बतलाइए कि जब दो ही इकाई में ये सारी सृष्टि रह चल रही है, इसमें से यदि किसी को परमात्मा, इसी चेतन को, इसी दूसरी इकाई को, इसी आत्मा को परमात्मा घोषित कर दिया जाएगा तो त्रयांशी जो परमेश्वर है उसको क्या कहा जाए, और जिन लोगों ने चाहे जितने ऊंचाई पर हो आत्मा को ही परमात्मा जब घोषित कर रहे हो, ईश्वर को ही परमेश्वर घोषित कर रहे हो, ब्रह्म को ही परम ब्रह्म, नूर को ही अल्लाह ताला, लाइफ लाइट डिवाइन लाइट को ही गॉड फादर, यदि ऐसा घोषित करा रहे हो तो आप बंधुजन बताइए, जब किसी पृथक अस्तित्व उसका है तो हम उनको भगवत द्रोही समझे या उनको संत महात्मा ऋषि महर्षि समझे? आत्मा तक की बात, आत्मा की बात तो उनके हम स्वीकार कर रहे हैं। आत्मा की बात यदि बोले और आत्मा तक ही यदि कहे तब तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अब आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक परमात्मा का अस्तित्व को ही नकार दे, ईश्वर के सामने परमेश्वर का अस्तित्व को नकार दे, ब्रह्म के सामने परम ब्रह्म के अस्तित्व को नकार दे, शिव शक्ति के सामने भगवान के अस्तित्व को नकार दे और इसी को सर्वे सर्वा कहने लगे, तो हमारे पास इसके सिवाय दूसरा क्या उपाय है कहने के, केलो भगवत द्रोही है, भगवत द्रोही है। इनको कहना चाहिए था कि मुझे आत्मा की जानकारी है, आत्मा से आगे कोई कुछ होता है कि नहीं होता है भैया मैं नहीं जानता, आप लोग आत्मा से आगे यदि कुछ जानना चाहते हैं तो खोजिए, ये कहने में क्यों परेशानी होने लगी है, सच बोलने में क्यों परेशानी होने लगी है?
परमात्मा ने अपना पता परिचय डाल दिया है। हर ग्रंथों में परमात्मा ने अपना पता परिचय पहचान डाल दिया है। किसी को ना दिखाई दे तो परमात्मा क्या करे, किसी को ना दिखाई दे तो परमात्मा क्या करे। इस तरह से जो है आप बंधुजन ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मर्यादित उपनिषदों में भी ऐसे बकवासपूर्ण झूठी बातें मंत्रों में है जिसमें सारे साधक जल भूल रहे हैं, लटक करके बर्बाद विनाश को हो रहे हैं। आप लोग जब चाहे मैं दिखाने को तैयार हूं। कितना ब्लंडर, कितना भारी अपराध गलतियां की गई हैं और परमात्मा कहीं जरा सा गफलत किया होता ना तो उसी की दुनिया से उसके अस्तित्व को ये ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि संत महात्मा जी लोग मिटा दिए होते। जरा सा वो गफलत किया होता ना, जरा सा वो असावधान रहा होता ना, ये ऋषि महर्षि संत महात्मा कहलाने वाले जी लोग उसका पृथक अस्तित्व को ही मिटा दिए होते। आप लोग अभी 5-7 मूर्ति 10 मूर्ति तैयार हो तो मैं उपनिषद में दिखाऊं और सबसे मर्यादित उपनिषदों में से श्वेताश्वतर उपनिषद में मैं दिखलाऊं कि कितना भारी अपराध कहा जाए, भूल कहा जाए, गलतियां कहा जाए। आप लोग स्वयं सोचिए, यदि आप 10-20 मूर्ति 10-5 मूर्ति चाहे तो मैं इन भारी अपराध युक्त बातों को दिखलाऊं और परमात्मा ने जो खेल खेला है उसमें जो अपना डाल डलवा दिया है उसको भी दिखलाऊं, उसको भी दिखलाऊं उसी उपनिषद में। ये अनर्गल बकवास नहीं, पूरा कम से कम कोई आया नहीं खड़ा होकर के मेरे उन बातों को कि उपनिषद में क्या गलती है जरा दिखला दीजिए। दिखलाता दिखलाता बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर।